नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक ऐसी रिपोर्ट आपके साथ साझा करने वाले हैं जिस रिपोर्ट के बारे में सुन करके आप सभी के सभी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये खास रिपोर्ट है सत्यपाल मलिक को लेकर के, जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। क्या आप जानते हैं कि सत्यपाल मलिक के बाद जो है उनके बेटे को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसीलिए ये खास रिपोर्ट लेकर के आए जिसमें हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि आखिरकार सत्यपाल मलिक से भी ज्यादा उनके बेटे देव कैसे अमीर है और वो क्या काम करते हैं। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सुर्खियों में हैं। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने पुलवामा हमले से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत पर तमाम बातें कही थी। 24 जुलाई 1946 को बागपत के जाट परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक की उम्र जब महज 1.5 साल थी, तभी उनके पिता बुद्ध सिंह का देहांत हो गया था। सत्यपाल मलिक शुरुआत से ही बगावती तेवर वाले रहे हैं। मेरठ कॉलेज से बीएससी और LLB की पढ़ाई करने वाली मलिक छात्र संघ को लेकर के भी जो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। यहाँ पर जो है उसी के हिसाब से देखा जाए तो तरक्की की सीढ़ियाँ वे चढ़ते चले गए। सत्यपाल मलिक का सियासी सफ़र साल 1974 में शुरू हुआ। वे चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक भी बने। इस चुनाव में उन्हें 42.4% वोट मिले थे और कम्युनिस्ट पार्टी के आचार्य दीपांकर को था। बाद में जब राष्ट्रीय लोकदल बना तो मलिक इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए। साल 1980 में लोकदल ने ही सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेजा था। 1984 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। जब वो फोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम आया और कांग्रेस सरकार घिरी तो मलिक ने पार्टी छोड़ दी और 1988 में वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल में शामिल हो गए। साल 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, हालांकि इसके बाद उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। सत्यपाल मलिक ने 1986 में दोबारा समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से किस्मत आजमाई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बागपत से भी पराजय मिली। हालांकि हार के बावजूद सत्यपाल मलिक का भारतीय जनता पार्टी के कद बढ़ता चला गया। 2012 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और 2017 में बिहार का राज्यपाल बना दिया। साल भर बाद ही 2018 में मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद 2019 में गोवा के राज्यपाल बने और 2020 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए। 2021 में शुरुआत से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया। सत्यपाल मलिक की पत्नी इकबाल मलिक शिक्षक और चर्चित पर्यावरणविदी है, जबकि उनके बेटे देव कबीर जाने माने ग्राफिक डिजाइनर है। बियर के मशहूर ब्रांड बीरा का लोगो देव कबीर ने ही डिजाइन किया है, ये जानकारी खुद सत्यपाल मलिक ने दी थी। देव कबीर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से डिप्लोमा हासिल किया है और तमाम बड़ी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं। मलिक की बहू भी IIT से ग्रेजुएट है। यहाँ पर द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सत्यपाल मलिक जब बिहार के राज्यपाल थे तब कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने स्किल के महत्व पर बात करते हुए अपने बेटे का उदाहरण दिया था और बताया था कि किस तरीके से उनका बेटा उनसे कई ज़्यादा कमाता है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैंने अपने बेटे को बताया कि अब मेरी सैलरी 3.5 लाख प्रति माह हो गई है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए 60 लाख रुपये मिलते हैं। सत्यपाल मलिक के सियासत के अलावा इतिहास, संगीत, फोटोग्राफी में भी गहरी दिलचस्पी है। राजनीति पर केंद्रित कई किताबें भी लिख चुके हैं। अब आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में मिलना और जहाँ पर एक महीने में 3.5 लाख रुपए की कमाई करना, ऐसे में बेटा जो है वो बाप से भी 4 कदम आगे चल रहा है। देखा यही जा रहा है कि सत्यपाल मलिक के बेटे देव के पास जो है अगर उनकी संपत्ति का आंकड़ा हम लगा सके तो कई गुना ज़्यादा जो है वो सत्यपाल मलिक से अमीर नज़र आ रही हैं। सत्यपाल मलिक और उनके बेटे को लेकर की ये खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे से लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।